प्रदेश सरकार राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार कराने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य शासन ने इस हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने इस संबंध में जिले के नर्सिंग होम संचालकों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने नर्सिंग होम संचालकों से कहा कि कमजोर परिवारों के सदस्यों का कोविड उपचार करने के लिए आप लोग आगे आएं और अपना पंजीयन कराएं। शासन के समस्त चिकित्सालयों में कोविड मरीजों का निःशुल्क उपचार कराया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उपचार के लिए आयुष्मान योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस कार्ड के माध्यम से आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने संबद्ध अस्पतालों में 20% बेड आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। अतः आप सभी संबद्ध अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए 20% स्थान आरक्षित रखें। कलेक्टर ने नर्सिंग होम संचालकों को बताया कि प्रत्येक अस्पताल में शासन की ओर से जो प्रभावी अधिकारी है उनके अलावा एक एक समन्वय अधिकारी नियुक्त रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक से कमजोर है, उसके परिवार के किसी भी सदस्य का कार्ड है तो वह इन आरक्षित पलंगों पर निःशुल्क उपचार करा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं है और वह गरीब है तो उसकी जानकारी शासन द्वारा तैनात कोऑर्डिनेटर को देंगे। 3 दिन में उस व्यक्ति का कार्ड बनाकर दिया जाएगा। आयुष्मान कार्डधारी इस प्रकार करा सकते हैं इलाज। राज्य शासन द्वारा आयुष्मान भारत अंतर्गत पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को अभियान चलाकर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका निःशुल्क उपचार हो सके। यदि आयुष्मान कार्डधारी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वह कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल में पहुँचता है तो वह इस प्रकार प्रवेश पा सकता है। परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं खाद्यान्न की पर्ची, जिसे यह पता चलता है कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का है। आयुष्मान कार्डधारी परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं उसके साथ समग्र आईडी, जिसमें मरीज का नाम हो, परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का प्रमाणीकरण कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का सदस्य है, इलाज के लिए आधार होंगे। अस्पताल में सुगमता पूर्वक होगा इलाज। आयुष्मान संबंध कोविड अस्पताल में आयुष्मान कार्डधारियों का एडमिशन एवं उपचार बिना किसी बाधा के सुगमता पूर्वक हो सके, इस उद्देश्य से अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी निरंतर फोन पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराना राज्य शासन की पहली प्राथमिकता है। जिले में यह अस्पताल होंगे आयुष्मान भारत से संबद्ध। जिन अस्पतालों में गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा उनमें गुना शहर में सहयोग हॉस्पिटल, सचिन हॉस्पिटल, आशीर्वाद हॉस्पिटल, राम हाईटेक नर्सिंग होम एवं संजीवनी नर्सिंग होम के नाम शामिल हैं।